तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। नमस्कार, मैं तेज प्रसाद टेक्निकल रजिस्टर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने वीवो वाई सीरीज के ढेर सारे स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में देखे होंगे, जहाँ पर कंपनी आप लोगों को काफ़ी कम प्राइस के साथ काफ़ी बेहतरीन फीचर से लैस एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स उपलब्ध करवाती है। लेकिन दोस्तों, अब इसी वाई सीरीज के अंतर्गत कंपनी अपना इस सीरीज का पहला सस्ता और बेहतरीन गेमिंग 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है और इसको कंपनी 22 मार्च को लॉन्च कर रही है। इसका नाम कंपनी ने वीवो Y72 5G रखा है। इस वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो Y72 5G के बारे में ढेर सारे फीचर्स सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इसके पिक्चर्स भी आ चुके हैं। ऑफिशियल तौर पर कंपनी ने इसको टीज किया है, जहां पर यह स्मार्टफोन ब्लैक और ब्लू कलर के साथ लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, हम इसी वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो Y72 5G के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस Y72 5G के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पर हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को 3D ग्रेडिएंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को कैप्सूल शेप पर ट्रिपल कैमरे LED फ्लैश की सुविधा, बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन जैसा लगता है। एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे दिखता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने थोड़ी सी किया है गड़बड़ी और इसके अंदर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है। यहां पर आप लोगों को पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले देखने को मिल सकती थी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है और इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं उपलब्ध करवा रही है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी FHD+ डिस्प्ले दे रही है, जहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है और स्मार्टफोन देखने में तो काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.58 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवाने वाली है, जो यह एक AMOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल का है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को 440 निट की PPI डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है और मेरे हिसाब से एक सस्ते 5G स्मार्टफोन्स के तौर पर काफी बेहतरीन डिस्प्ले होने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek के Dimensity सीरीज का 700SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक्ड है 2.0 GHz पर, जिसके साथ GPU देखने को मिल जाता है मालिका G57। 7 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। यह खासकर सस्ते 5G स्मार्टफोन्स के लिए बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। इसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी का फीचर तो देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके साथ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा भी जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, उस आधार पर यह स्मार्टफोन एक स्टोरेज रैम के साथ लॉन्च हो रहा है, जहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ भी यह भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से जितने भी वीवो के स्मार्टफोन आते हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास रहती है, उनमें कंपनी कोई भी कंजूसी नहीं करती है, खासकर स्टोरेज और रैम वेरिएंट को लेकर। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है। इसमें से जो पहला और मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल होगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा LED फ्लैश के साथ। इसके अलावा सेल्फी और कॉलिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवाने वाली है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरमा स्लो मोशन और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इनबिल्ट ब्यूटी के कमाल के फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो खासकर आप लोगों को वीवो के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन कैमरा सेटअप आप लोगों को इस वीवो Y72 5G के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को मात्र 5000 mAh बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आप लोगों को 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को microUSB Type-C उपलब्ध करवाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसके अन्य कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5G डुअल 4G Wi-Fi GPS FM रेडियो 3.5 mm ऑडियो जैक ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। और फाइनली अगर बात करें इस वीवो Y72 5G के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी इसको 22 मार्च को थाईलैंड में अभी लॉन्च कर रही है। और आप लोगों को वैसे पता है कि वीवो वाई सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन हैं भारतीय मार्केट में जरूर लॉन्च होते हैं और जो रूमर्स द्वारा जानकारी
जानकारी प्राप्त हो रही है उस आधार पर यह स्मार्टफोन अप्रैल तक 5G वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए के बीच में ही भारतीय मार्केट में रहने वाली है। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको अप्रैल या मई के महीने तक भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो वाकई में काफी बेहतरीन और सस्ता और बेहतरीन कैमरा सेंसर से लैस स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस Vivo Y72 5G के फीचर्स को लेकर या इसके भारतीय मार्केट में कीमत को लेकर? जो भी दिल में विचार हो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।